नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी मोड पे। गर्मियों का मौसम है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो लू लगने की आशंका होती है। ज्यादातर होता यह है कि हमारी बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ज्यादा गर्मी में या ज्यादा टेम्परेचर में रहने से हमें हेडेक होता है, मितली आ सकती है, उल्टियाँ होती हैं, और इस वजह से बहुत सीवियर हेडेक होने की वजह से हमें यह लगता है कि हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लू लग गई है। अब लू लग गई है तो कुछ सामान्य दवाइयाँ, ऐसी कुछ दवाइयाँ हम क्या घर पे तुरंत यूज़ कर पाएँ जिससे ये जो सिम्टम्स हैं या तो ठीक हो जाएँ या कुछ कम हो जाएँ, जिससे हमें हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम कोशिश करते हैं कुछ दो तीन दवाइयाँ आपको ये बताते हैं जिससे आप अपने घर में इन चीज़ों का इलाज कर पाएँ, और कोशिश करें कि यदि कुछ घंटों में आपको इससे राहत नहीं मिलती है तो फिर आपको इसके बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। चलिए जानते हैं वो दो तीन दवाइयाँ कौन सी हैं होम्योपैथी की, जिसमें लू लगने पर या लू लगने जैसे सिम्टम्स होने पर, सिर दर्द, मितली आना, उल्टी आना, कमजोरी लगना, इस तरह की शिकायत होने पर हम कौन सी दवाइयाँ देंगे। पहली दवा ग्लोनाइन 30। इस दवा की चार गोली दिन में तीन बार या चार बार आप ले सकते हैं, दो दो घंटे के गैप में। यदि ड्रॉप्स में आपको मिलती है तो दो दो ड्रॉप लीजिए। दूसरी दवा नेट्रम कार 200। चार गोली दिन में तीन बार, चार बार, दो दो घंटे के गैप में आप इसको ले सकते हैं। किसी भी तरह का हेडेक यदि आपको हीट से दोपहर में गर्मी जाने के बाद हो रहा है तो आप इससे आराम मिलेगा। ग्लोनाइन में भी बर्स्टिंग हेडेक होता है, सिर ऐसा लगेगा जैसे फट रहा हो, इस तरह की चीज़ें भी आपको होती है तो आपको ये दवाइयाँ आराम देंगी। गर्मी में यदि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है गर्मी से धूप से आने के बाद, तो आप ये लीजिए दवाई चाइना 200। चार गोली दो दो घंटे के अंतर में, ड्रॉप्स में मिल रहा है तो दो दो बूंद दो दो घंटे के अंतर में। कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें, नमक और शक्कर का घोल हम जो बनाते हैं ORS घोल, वो मरीज को दें। और यदि दो से तीन घंटे, चार घंटे के अंतर में यदि पेशेंट को आराम नहीं मिलता है पेशेंट को, तो आपको उसे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप ज़रूरत पड़ने पे ये दवाइयाँ घर पे रखें, और सामान्य बातों में, सामान्य तकलीफों में आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। यदि इसके बावजूद भी यदि आपको आपकी तकलीफ ठीक नहीं होती है तो कृपया अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। गर्मी में जिस भी तरह की समस्या आपको हो रही है उसमें ये तीनों दवाइयाँ आपके लिए बहुत कारगर हैं। इन्हें अपने पास रखिए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोशिश करें कि वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये छोटे वीडियो में हम किस तरह की बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो भले ही छोटा है लेकिन इसकी जानकारी बहुत बड़ी है। शॉर्ट नोट्स में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप अपने घरों पर रख सकते हैं और इनसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। होम्योपैथी के इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।